reaction of hello earrings. फर्स्ट हम देखते हैं ये हेलो एरिंस किस तरह रिएक्ट करता है विथ मेटल्स. तो देखते हैं हम हेलो एरिंस विथ मेटल्स. फर्स्ट वन विथ मेटल्स, इस तरह से हमारा हेलो एरिन, एरिन मीन्स हमारा हेलोजन ग्रुप कहां पर अटैक रहेगा, बेंजीन रिंग से. ये क्या कहलाएगा, हेलो एरिंस. इस तरह से हमारा एरिन हुआ, बेंजीन रिंग हुआ. इस पर अगर हमारा किसी भी किस्म का हेलोजन ग्रुप अटैक रहेगा, अटैच रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, हेलो एरिंस. अब तमाम रिएक्शंस किससे होगी, हम इस हेलो एरिंस को लेंगे एज अ पेरेंट और इस पर हम डिफरेंट रिएक्शन को देखेंगे और किस तरह से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है हम उसे भी देखेंगे. फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, हेलो एरिंस विथ मेटल्स, किस तरह से हमारा ये हेलो एरिन रिएक्ट करता है मेटल्स और किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है देखते हैं. हम क्या देखते हैं, जब ये ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो मीन्स हेलो, बेंजीन क्या हो हमारा एरिंस. तो इफ ब्रोमो बेंजीन, हम लिखते हैं ब्रोमो बेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड ये क्या हमारा ब्रोमो बेंजीन, इस तरह रिएक्ट कर रहा है ये हमारे मिथिल ब्रोमाइड से. अगेन दोनों रिएक्शन किससे हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल. अगेन हम यहाँ यूज करेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज ड्राई इथर. देखते हैं हम हेलो एरिन रिएक्ट करेगा हेलो अल्केन से, किसमें, सोडियम मेटल से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर. तो हमें ये क्या फॉर्म करता है, ये हमें फॉर्म करता है टोलीन. अवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज टोलीन. अगेन क्या रिमूव करेगा देखते हैं, इस तरह से हेलो एरिन रिएक्ट करता है सोडियम मेटल से. सिंपल वन है ब्रोमो बेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथिल ब्रोमाइड, देन एक्शन ऑफ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट टोलीन होता है. नेक्स्ट वन देखते हैं हम देखते हैं इसी बेसिस पर सोडियम मेटल में ही जब सिर्फ हमारा ये हेलो एरिन रिएक्ट करता है तो हमें ये फॉर्म करता है बाय फिनिल प्रोडक्ट. क्या फॉर्म करता है वो, बाय फिनिल प्रोडक्ट. इस तरह से देखते हैं हम अगेन इज और हेलो एरिन रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, देन दे फॉर बाय फिनिल प्रोडक्ट. क्या फॉर्म करता है, बाय फिनिल प्रोडक्ट. प्लस टू एन ए बी आर क्या फॉर्म करें हमारे ये बाय फिनिल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ हेलो एरिंग्स विथ
metals. Easy है. Halorine means bromo benzene reacts with sodium metal in presence of a solvent dry ether, then they form biphenyl product. तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि इस मेथड से भी हम बायोफिनिल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. एज वेल एज विद हेल्प ऑफ सोडियम मेटल हम टॉलिन इस प्रोडक्ट को भी इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. देन नंबर वन, नंबर सेकंड देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट किसमें देखेंगे हम? इन हेलो एलिन. हमारा हेलो एलिन में हुआ था, हमने SN1 SN2 देखा था. अब हम देखेंगे उसी चीज को किसमें? हेलो एलिन. नेक्स्ट वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखते हैं हम, अगर हम यहां पर लेंगे न्यूक्लियोफाइल मीन्स मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट. हमें पता है और हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट. देखते हैं फर्स्ट वन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है. क्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में ऑलवेज 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे क्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7. ये जो 7 रहेगा ये क्या करेगा? इस बेंजीन के इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या हुआ? शेयर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हुआ. ये इलेक्ट्रॉन हुए है ना, ये रिमेनिंग 6 एज इट इज. तो इस क्लोरीन का जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग बनाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दे फॉर्म क्लोरो बेंजीन. क्या फॉर्म करेगा ये? क्लोरो बेंजीन. अब हम देखते हैं इस क्लोरो बेंजीन में क्या होता है. माइनस आई इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट प्रिफर हो जाता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट. ये क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट. ये क्या करते हैं? माइनस आई इफेक्ट ये सफिशियंट हो जाते हैं. और ये क्या करते हैं? प्लस आर को डिप्रेस कर देते हैं, कम कर देते. तो इसी बेसिस पर हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होता है इस टोटल बेंजीन रिंग में और लास्ट में हमें स्टेबल कॉन्फिगरेशन बताता है, स्टेबल एलिमेंट को बताता है, स्टेबल कंपाउंड को बताता है. इस तरह से हम देखेंगे कि अगर हम लेते हैं कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, अगर ये कार्बन रहता है अल्केन का तो अल्केन कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है क्लोरीन से तो जो रहता है इसकी बॉन्ड लेंथ रहती है 178 पिकोमीटर. बट अगर यही कार्बन किसका रहता है? बेंजीन रिंग का रहता है और जब यह बेंजीन रिंग का कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है क्लोरीन से, किससे? क्लोरीन से. ये कार्बन कौन सा हुआ? बेंजीन रिंग का कार्बन हुआ. तो ये जब कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये ऑलवेज इसकी बॉन्ड लेंथ रहती है 169 पिकोमीटर. अब देखते हैं ये जो अल्केन का था हेलो अल्केन और ये किसका? ये हेलो एलिन्स का है. हेलो एलिन्स कितनी बॉन्ड लेंथ थी? 178 पिकोमीटर. हेलो एलिन्स में 169. तो इस चीज को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक. क्या होता है ये? डिफिकल्ट टू ब्रेक बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन कार्बन एंड सी. तो क्या कहते हैं ये? बॉन्ड
डीलोकलाइज होता है इस पूरे रिंग में और हमें रहता है रेजोनेंस इफेक्ट। क्या देगा हमें? रेजोनेंस इफेक्ट। देखते हैं हम किस तरह से होता है ये क्लोरोबेंजीन में। ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? ये इस कार्बन और सीएल के बॉन्ड्स पर जाता है। देन जो डबल बॉन्ड रहते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं? इस कार्बन पर आता है और देता है हमें एक निगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट हियर, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। अगेन कुल इलेक्ट्रॉन एज इट इज, इलेक्ट्रॉन एज इट इज, सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है इस साइड का? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज होगा किस तरह हो जाएगा? ये होता है इस तरह, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे क्या देता है हमें? यहाँ पर देता है निगेटिव चार्ज और ये दोनों बॉन्ड रहते हैं एज इट इज। नेक्स्ट वन, अगेन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। किस तरह से होता है? ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे देगा। डबल बॉन्ड किस तरह रहता है? इस कार्बन पर आता है और हमें देता है निगेटिव चार्ज कार्बन। ये रहेगा एज इट इज, डबल बॉन्ड सी एल, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये यहाँ पर आता है ये क्या फॉर्म करेगा? डबल बॉन्ड, अगेन बॉन्ड ब्रेक हुआ, डीलोकलाइज हुआ, क्या हो जाता है? यहाँ पर देता है हमें निगेटिव चार्ज, ये रहेगा एज इट इज। देन नेक्स्ट वन, अगेन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये डबल बॉन्ड कर देते हैं। डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? यहाँ पर निगेटिव चार्ज करता है। इस तरह देगा हमें ये डबल बॉन्ड एज इट इज, क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगेन डबल बॉन्ड आए यहाँ पर, ये क्या देगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड। और ये क्या देगा हमें यहाँ पर? निगेटिव चार्ज। देन ये क्या करेगा हमें? इस डीलोकलाइज होगा, फिर क्या करेगा ये? इस तरफ आएगा, क्या करेगा ये? डबल बॉन्ड देता है, डबल बॉन्ड देते हैं एक कार्बन पर, तो क्या जाएगा ये कार्बन? ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? अगेन क्लोरीन पर जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये फॉर्म, इस तरह से हो गई ये एज इट इज, एज इट इज। ये किस तरफ आया? अगेन डबल बॉन्ड कहाँ पर गया? सिंगल बॉन्ड होकर क्या देगा हमें? क्लोरीन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इस तरह से ये पूरा ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है और हमें इस तरह से प्रोडक्ट देते हैं। अब इसमें देखते हैं किसमें तो रहते हैं, इसमें टू स्टेबल प्रोडक्ट्स रहते हैं। वन स्टेबल रहता है ऑर्थो, ये पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो पोजीशन। अगेन ये पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा पोजीशन। इस तरह दे गई है ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन। मेटा है बट मेटा और ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम मोस्टली किसे लेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन को लेंगे। इस पोजीशन और इस पोजीशन पर हमारा न्यूक्लियो फाइल अटैक करेगा और हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन, और हमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। होता है। अब हम देखते हैं किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है विद रेजोनेंस।